से देखते हैं जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये कम अवधि को लेकर किया जा रहा है और के माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्य मंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं और कार्य मंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मनसा है कि गैरसैंण के विकास के लिए और सरकार ने जो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उनकी राय के अनुसार बजट को बनाने की जो कार्रवाई चल रही है उसकी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित होगा।